उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। सच्चे नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज के लिए सूरज कुकृति। और कल 7 बजे लालढांग से बीरोंखाल के कांडा गांव जा रही बस, जो जहां बारात जाना था कांडा, वहां से 2 किलोमीटर पहले बस में जो है तकनीकी खराबी के कारण, जो बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी कि उसका पट्टा टूट गया और बस जो है खाई में जा गिरी। और कल रात से लेकर अभी तक रेस्क्यू अभियान जारी है और तमाम जो रेस्क्यू के NDRF और SDRF की टीम है, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये नीचे जो नयार नदी बहती है वहाँ जो है बस पहुँच गई। लगभग ये 500 मीटर नीचे बस खाई में गिरी है और वहाँ से जो है अभी ये कुछ घायलों को निकाल के कोटद्वार बेस अस्पताल और रिखनी खाल और बीरों खाल भेज दिया गया है। और लेकिन अभी तक जो है ये मालूम नहीं पड़ पाया कि कितने लोगों की इसमें जान गई है। लगभग 20 से 25 लोगों की इसमें जान जाने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है और ये अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है। और स्थानीय विधायक दिलीप सिंह रावत जी तत्काल ही यहाँ जो है रात्रि को वो कोटद्वार में 2 बजे करीब कोटद्वार पहुँचे और वहाँ से फिर जो है 4:30 बजे उन्होंने अपने ये क्षेत्र जहाँ ये दुर्घटना हुई है वहाँ पहुँचे और अपने साथ साथ जो है यहाँ वो ये बेस अस्पताल में भी उन्होंने वहाँ पर घायलों का वो उनकी कुशल क्षेम पूछी और वहाँ जा कर के उनको उचित ट्रीटमेंट देने की बात की। और उसके बाद ही वहाँ से डॉक्टरों की टीम और तमाम जो है जिला प्रशासन, पौड़ी जिलाधिकारी, पौड़ी SSP पौड़ी और तमाम जो है पुलिस महकमा प्रशासन सभी जो है अलर्ट होकर के घटनास्थल की तरफ कल से जो है लगातार यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है। और SDRF और NDRF जो है मशक्कत के बाद जो नीचे बिल्कुल जो है वहाँ ये नदी के बिल्कुल मुहाने पर जो है ये गाड़ी वहाँ दुर्घटनाग्रस्त पहुँच गई है, तो वहाँ से जो है कैजुअल्टी को निकाल रहे हैं और लगातार अभियान अभी जारी है। और यहाँ पे तमाम जो है जिला प्रशासन पूरे जो है अलर्ट होकर के यहाँ पे काम कर रहा है। और अब देख सकते हैं कि NDRF की टीम रात से लगातार जो है यहाँ पे लगी हुई और स्थानीय लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर रेस्क्यू अभियान में योगदान दिया जो कर सकते थे, जो उनकी सामर्थ्य थी, क्योंकि स्थानीय लोगों के पास उपकरण नहीं होते हैं। साथियों नमस्कार, ये गाड़ी जो है दूल्हे की थी और जो अभी दूल्हा यहाँ पे काफ़ी जो है गमगीन है और बहुत उसके आंसू नहीं थम रहे हैं। और विधायक लाइनडॉन महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी उनको भरोसा दिला रहे हैं, आश्वासन ढाले दिला रहे हैं। इस समय हमारे साथ है पौड़ी के DM, इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये दुर्घटना किस तरह की हुई और इस पर अभी कार्रवाई क्या क्या चल रही है। तो देखिए, लालढांग से बीरोंखाल के लिए एक बस आ रही थी जिसमें बारातियों की वो लेकर आ रहे थे, उनको वो दुर्घटना ग्रस्त हो गई है सिमडी ग्राम के पास में। और उसमें जो है कल शाम से हम सर्च अभियान कर रहे थे, 20 व्यक्तियों को हम लोग जो है घायलों के रूप में हमने उनको बाहर निकालने में सफलता पाई थी। उन 20 व्यक्तियों में से दुर्भाग्यवश 2 व्यक्तियों का इलाज के दौरान मृत्यु हो गया है और उसके बस के आसपास में और भी व्यक्ति दबे होने की आशंका को देखते हुए खोजबीन का कार्यक्रम दोबारा शुरू किया गया। इस कार्य के दौरान जो है हमें अभी तक जो है 12 शव प्राप्त हो पाए हैं। अभी और शवों की वहाँ पर दबे होने की आशंका को देखते हुए सर्च अभियान अभी जारी है, ये संख्या भी बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद। दूसरी बात, जब अभी धोखा किया
देखो सर, जनता का मालिक ना हमारी शिकायत है तो सारी वालों को भी योग पता चल रहा है कि गाड़ी बिना आई रुकने से उसकी गाड़ी बस के पीछे तो था। ऐसा हुआ सर, इसका परसेंट टूट गया था, उसने लिखा लगा उन्होंने मैकेनिक ने कहा यार मैं इसको टिलो लगा भाई 1.5-2 घंटे लगेंगे। अरे यार 1.5-2 घंटे में तो बारात देर हो जाएगी, तो उसने कहा कि मैं पहले छोड़ जाता हूँ तब बना, तो यार मेरे सब पूरे टूट गए। घर पे ही आकर 27 किलोमीटर यहाँ तक लोकल नहीं।